हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AKTU के रिजल्ट के बारे में। और दोस्तों, हम दूसरी बात ये बात करने वाले हैं कि जो ज़्यादा मार्क्स आ गए, जिन छात्रों का जो है जो ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, 50 में 50 अटेम्प्ट किए हैं या 45 या 45 अटेम्प्ट किए हैं, दोस्तों उनके मार्क्स में क्या प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं। जब रिजल्ट आया है फाइनल ईयर का, उन्हें सब कई दोस्तों से मैंने बात किया है, उनका नंबर जो अगर वो 45 या 47 अटेम्प्ट किए हैं या 50-50 अटेम्प्ट किए हैं, तो उनका नंबर जो है बहुत कम आ रहा है, यानी कि 75 आ रहा है या तो 80 आ रहा है, यानी कि 40-42 के आसपास उनका जो है करेक्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम पूरी बात करने वाले हैं और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे दोस्तों कि प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि AKTU का फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम था, AKTU का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है वो 17 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया था। दोस्तों अब मतलब की बात करें तो अब थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने को है, जो कि दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि AKTU BTEC थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों आज शाम तक अपलोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दोस्तों मैं यहाँ पे AKTU के साइट पे हूँ, AKTU 1U उस पे साइट पे हूँ। यहाँ पे दोस्तों साइट यहाँ पे मेंटेनेंस में दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आज शाम तक जो है रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो दोस्तों 90-100% जो है ये है कि आज नहीं तो कल 100% जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आज इसलिए बोल रहा हूँ जो साइट है मेंटेनेंस में, वैसे तो आज संडे है इसलिए 100% कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन कल के लिए 100% आप कंफर्म है कि कल जो है AKTU BTEC फाइनल थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों बैक की बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों बैक का एग्ज़ाम जो है अभी तक हो रहा था, जहां तक कि अभी रेगुलर का जो है वो मतलब कि रिजल्ट जो है अब आज आने वाला है। तो दोस्तों सेकंड बात जो है, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जिन छात्रों का जो है रिजल्ट में जो है नंबर, यानी जिन्होंने 45 से 50 के बीच में अटेम्प्ट किया था, उनका जो नंबर है वो कम क्यों आ रहा है। तो दोस्तों बात ये है कि जब AKTU ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था कि जिन छात्रों का जो है नंबर कम आएगा या तो जिन छात्रों का नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि 95 से 100 के बीच में जिन छात्रों का नंबर आ जाएगा, उनका क्रॉस चेकिंग हम करेंगे। तो दोस्तों क्रॉस चेकिंग के अकॉर्डिंग AKTU से ये जानकारी निकल के आ रही है दोस्तों कि AKTU जो है क्रॉस चेकिंग कर रहा है और उनका नंबर देख रहा है कि इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों वो आपके पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको नंबर दे रहा है और उसको पता है कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन नहीं चीटिंग कर रहा है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग वो नंबर दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 5 से 6 या 7 से 8 नंबर, 10 नंबर तक फ़र्क यहाँ पे देखने को पड़ा है। दोस्तों यही आपको बताना था। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसे अपडेट्स हमेशा देते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।